Hey guys, this is Neha. I hope you all are doing well. So, मैं रहती हूँ कनाडा के एक हिल स्टेशन पे जिसका नाम है होप बीसी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है. यहाँ पे सराउंडेड माउंटेन से हम जहाँ पे रहते हैं वो पूरा एलिवेशन एरिया है, मीन्स हाइट पे है हमारा घर. तो यहाँ पे मोस्टली स्नो गिरता रहता है हर बार विंटर में इतना ज़्यादा स्नो होता है, बट इस बार तो सब जगह पे इतना ज़्यादा स्नो था. आप अगर मेरे वीडियो देखते होंगे, मुझे फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा कि होप में हम हर टाइम इतना स्नो रहता है, पर इस बार तो सब जगह पे इतना गिरा है स्नो. और टेम्परेचर अभी माइनस में, अभी जो भी सन दिख रहा है आपको इस वीडियो में वो सिर्फ दिखावे का सन है. टेम्परेचर अभी भी ड्रॉप हो रहा है, लाइक -3, -5, अभी तक प्लस में नहीं आया है टेम्परेचर. सो ये दिख रहा है कि सनी डे है बट इट्स स्टिल कोल्ड. सो आज हमने सोचा कि नक्श बहुत बोर हो रहा था घर में, तो किसी पार्क में ले जाए. पर जितने भी पार्क हैं यहाँ के होप में, प्लेग्राउंड्स है, सारे इतने स्नो से भरे हुए हैं कि वहाँ पे अगर पैर डालो तो 3 फीट अंदर जाए पैर, इतना ज़्यादा स्नो है वहाँ पे कि बच्चे खेल नहीं सकते हैं. सो आज हमने सोचा कि किसी और सिटी में चलते हैं. यहाँ से थोड़ी दूर, या 20-25 किलोमीटर पे एक और सिटी है, अगासीज. बहुत ही सुना है, बहुत अच्छा सिटी है. और वहाँ पे वो एलिवेशन पे नहीं, वो थोड़ा नीचे है हाइट, जैसे होप एकदम हाइट पे है बट वो थोड़ा सा नीचे है, तो वहाँ पे इतना स्नो नहीं होता है. और मोस्टली होता है तो भी मेल्ट हो जाता है. तो आज देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. तो हम जा रहे हैं अगासीज टू प्लेग्राउंड, लाइक वहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि वो बहुत छोटा सिटी है तो वहाँ पे इतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं होगा, बट छोटा सा प्लेग्राउंड है. बट देखते हैं कि कैसा है. सो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से होप से अगासीज के रास्ते के लिए. सो बीच में जितने जितने व्यूज आ रहे हैं आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे ब्यूटीफुल व्यू है. और आज सनी डे है, सन की वजह से पूरा जो आसमां है इतना अच्छा लग रहा है. देखो, लुक एट द स्काई, किसी ने पेंट से वो बनाया हो ना कैनवास पे, ऐसा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम रियली स्पीचलेस कि मैं इसको कैसे बयां करूं. बहुत ही अच्छा लग रहा है. देखो आप व्यू देखो, माउंटेन, उस पे स्नो, ऊपर से सन, और उसमें ये जो क्लाउड है एक अलग ही पेंटिंग बना रहे हैं आसमान में. सो इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल. तो हम जा रहे हैं अगासीज और अभी आई थिंक थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से इतना दूर नहीं है मेरे घर से, 20-25 मिनट्स का रास्ता है अगासीज का. सो छोटा सा सिटी है यहाँ के पास में, बट वो थोड़ा नीचे की साइड पे है तो वहाँ पे इतना स्नो नहीं होता है. और ये अगासीज का स्टार्ट हो चुका है. ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है ये अगासीज का माउंटेन है, बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे सारे, इवन पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में सारे जो सिटी है इतने ब्यूटीफुल है कि नेचुरल ब्यूटी तो भर भर के भरी हुई है सब जगह पे. और ये सिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो लेट्स सी वहाँ पे कैसा नज़ारा है. तो बस हम जस्ट पहुँच चुके हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी है. और ये है पार्क यहाँ का, बहुत ही छोटा पार्क है, इतना बड़ा पार्क नहीं है, बट बच्चों के लिए अच्छा है कि एटलीस्ट उनको थोड़ी एक्टिविटी मिल जाए, थोड़े से यहाँ पे स्विंग्स है, स्लाइडिंग है, और व्यू का जो नज़ारा है वो बहुत देखने लायक होता है यहाँ पे. तो ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी कुछ फैमिली है यहाँ पे. टेम्परेचर अभी यहाँ पे -3 है, बट मैंने नक्श को भी 3-4 पहनाए हुए लेयर अंदर थर्मल वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इट्स -3 तो है. अभी सन सिर्फ दिखावे का सन दिख रहा है, कुछ गर्मी नहीं है यहाँ पे, इतनी ठंड है, बट हमने सब पहना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी आज व्यू तो बाकी ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है सच में. आप जो देख रहे हो वीडियो, आपको व्यू से लग रहा होगा कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होगा अभी यहाँ पे. ठंड है बट व्यू इट्स लाइक अमेजिंग. और ये पार्क भी बहुत अच्छा है, सभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने की, इतना बड़ा पार्क नहीं है, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल.
और नक्श को तो मज़ा आ रहा है, वो उसको थोड़ी एक्टिविटी मिल गई क्योंकि घर पे बोर हो रहा था तो हम यहाँ पे ले आए। तो अभी अच्छा है कि होप में इतना स्नो है तो अभी यहाँ पे आके हम पार्क में उसको खेलना खेल सकते हैं, क्योंकि ये 20 to 25 मिनट्स ही पड़ता है। होप से अगासी बहुत ही नज़दीक है, इतना वो नहीं है, दूर नहीं है। तो हमने बहुत एंजॉय किया उस पार्क में और अभी हम वापस जा रहे हैं बैक टू होप। हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, सो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल व्यू, सो सब कुछ अच्छा था और नक्श भी बहुत मज़ा आया आज। तो आपको भी ये व्यूज़ देख के बहुत मज़ा आया होगा कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और आज तो सनी डे था तो बाहर निकलना ही था, जब सन निकल रहा है हम निकल पड़ते हैं बाहर ड्राइव के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हमें बहुत मज़ा आया और आपको यहाँ के व्यू देख के आपको भी मज़ा आया होगा, जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की। सो ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, विल सी यू लेटर इन अनदर वीडियो।